हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ मटन ग्रेवी वाला। मटन ग्रेवी जो सबको ही नॉनवेज लवर्स को बहुत ही पसंद है। ये मैंने 1 किलो मटन लिया है, 1 किलो मटन के पीसेस हैं, तो इसके लिए अब हम तैयारी करते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें बड़े टेबलस्पून भर के घी लिया है, क्योंकि मटन बनाने के लिए घी का इस्तेमाल थोड़ा अच्छे से करें तो मटन अच्छा बनता है। और ये 2 टेबलस्पून ऑयल लिया। घी हमारा थोड़ा चेक करते हैं, गरम हो गया। ये देखिए, जीरा डाला थोड़ा, तो गरम हो गया। अब हम 1 चम्मच इसमें जीरा डालेंगे। 3 तेज पत्ता, ये छोटी इलायची है 5 हमारी, 2 से 3 ये मोटी काली इलायची, लौंग थोड़े से, और 5 से 6 दाने काली मिर्च। और ये मैंने प्याज लिए हैं, ये 4 से 5 प्याज कटे हुए। ये देखिए, प्याज हमारे ऐसे पक गए हैं, अभी आधे पके हैं। तो अब हम इसमें अदरक और लहसुन डालेंगे। ये अदरक, ये 2 टीस्पून, और ये 2 टीस्पून इसमें लहसुन। ये देखिए, अभी हमारे ये प्याज ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, पक गए हैं, ब्राउन हो गए प्याज। चार से पांच मिनट तक बस पकाएंगे इसको। हमें इसे 5 मिनट हो गए पकाते हुए, और इसको हिलाते रहना है आपने तेज गैस पे। इसको हमने पकाया, 1 चम्मच हमने ये कश्मीरी लाल मिर्च, सूखा धनिया 2 चम्मच, हल्दी 3/4 चम्मच, अब हम इसमें दही 1 कटोरी पूरा भर के दही, और ये 3/4 कटोरी टमाटो प्यूरी। ये देखिए, दही और टमाटर दोनों ने अपना पानी छोड़ते हैं, तो अभी हम इसी में इसको पकाएंगे। आप इसमें थोड़ी सी दही और डाल सकते हैं, क्योंकि दही मटन में बहुत अच्छी लगती है। मलाई 2 से 3 चम्मच आप इसमें मलाई डाल दें, 2 चम्मच मैंने मलाई डाली है। तो इसको हम गैस थोड़ा स्लो कर देंगे और ढक के इसको 5 मिनट और पकाएंगे। अभी 10 मिनट हो गए हैं हमने, अब काफ़ी टेक्सचर चेंज हो गया है इसका। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कर सकते हैं फिर बाद में भी। 1/2 चम्मच हम जीरा पाउडर भी डालेंगे। अभी हमने गैस को तेज कर लिया है थोड़ा, क्योंकि अभी हमने जो टमाटर डाले हुए हैं, टमाटर और दही, उसको हम ड्राई करेंगे, उसके बाद हम फिर पानी डालेंगे इसमें। ये देखिए, घी छोड़ चुका है मसाला, इसका मतलब हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए, पानी मैंने गरम लिया है, गरम करके पानी डालूंगी, क्योंकि अगर हम ठंडा पानी डालेंगे तो मटन एकदम से ठंडा हो जाएगा। अब हम इसकी गैस को स्लो करेंगे और इसको ढक देंगे पकने के लिए। इसको कम से कम 1/2 घंटा हम छोड़ेंगे इसको। हम मटन को बीच बीच में खोल के चेक करते रहेंगे कि गल गया है या नहीं। तो अभी तो नहीं गला ये। 1/2 चम्मच ये कसूरी मेथी है पिसी हुई, ये डालेंगे, और 1/3 चम्मच ये छोटी इलायची का पाउडर है।
अभी भी अगर आपको जैसे स्टेज पे भी लगे कि आपको ग्रेवी कम लग रही है या ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप पानी थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अब इसको 15 से 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हमारा मटन जो है ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए मटन तैयार है, बिल्कुल गल गया है, अब अच्छे से गल गया है। ये देखिए देखिए ग्रेवी मटन के साथ तैयार है। और ये देखिए बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। आपके लिए भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है घर पे बनाना। मटन ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। इसे आप परांठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप बनाइए और इंजॉय कीजिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।